नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में कई जगह पर पारंपरिक तौर पर बनाई जाने वाली गुड़ की मीठी रोटी खाने का चलन है। हालांकि सर्दियों में इस रोटी का सेवन किया जाता है, लेकिन कुछ खास मौके पर इस रोटी को बनाया जाता है। पंजाबी में इसे गुड़ की रोटी कहा जाता है, वहीं महाराष्ट्र में इसे गुलपोली कहा जाता है। स्वाद में मीठी लगने वाली ये रोटी स्वाद में ना सिर्फ टेस्टी होती है, बल्कि सेहत के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद है। गेहूं और गुड़ की मौजूदगी के कारण ये हाई फाइबर रोटी शरीर में आयरन की कमी नहीं होने देती। आप चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए इसे घी लगाकर भी सेंक सकते हैं। आइए जानते हैं गुड़ की मीठी रोटी के लाभ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। जोड़ों का दर्द करे दूर। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है, नाश्ते में गुड़ की रोटी को दूध के साथ खाना चाहिए। ये बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी पौष्टिक तत्वों से भरपूर होती है। सर्दी जुकाम में लाभकारी। बारिश के मौसम में संक्रमण और वायरल फ्लू में गुड़ की रोटी बहुत अधिक मददगार होती है। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। इसकी तासीर गर्म होने के कारण ये सर्दी जुकाम और खासतौर से कफ से आपको राहत देने में मदद करेगी। पाचन में सुधार। गुड़ की रोटी आयरन और हाई फाइबर लिए रहती है, जिससे आपका पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। ये पचने में आसान है, पर आपका पेट लंबे समय तक भरे होने का एहसास करता है, जिससे आप ओवर ईटिंग या फूड क्रेविंग से बच जाते हैं। तुरंत एनर्जी दे। गुड़ की रोटी आपके लिए एनर्जी का मुख्य स्रोत है। इसके सेवन से आप शरीर में स्फूर्ति और तंदुरुस्ती महसूस करते हैं। अगर आप बहुत अधिक थकान या कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब आपको गुड़ की रोटी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये आपके शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ा देती है और आपको थकान महसूस नहीं होती। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर आए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करें। धन्यवाद।